आप लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था? मेरा तो अभी 50,000 था। आपका कितना था? मैडम मेरा 20 लाख रुपए जमा है। 20 लाख मेरे पिताजी ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इतना ही 20 लाख? हाँ 20 लाख इन्वेस्ट किया था। और वो बीपी भी थे, मतलब बिजनेस पार्टनर भी थे। 107 लोग हैं जिनके 20-20 लाख रुपए सबके जमा है। किसी के 25,000 लिए, किसी के 50,000 लिए, उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है और पैसा लेके ऐसे ही बैठ गए। आपका कितना पैसा? 20 लाख। मेरा भी, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। इन्होंने 20 लाख रुपए लिए थे हमसे वन शॉट, और अभी तक ना माल दिया ना कुछ दिया। अडानी जो है, घोटाला जो किया, सब मिले हुए सब पैसा लेके भागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन ग्रुप के द्वारा एक नई कंपनी खड़ी करके लोगों का पैसा हड़पने की साजिश, जिसका नाम था इच्छा पूर्ति। मेरे भी इसमें 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। मैं शिव शक्ति ट्रेडर्स बुलंदशहर से हूँ। पैसा लेट होने के कारण मेरी बिटिया की शादी 3 बार टूट गई। पैसे रिटर्न करने के बहाने चेक दिए, वो सारे फर्जी चेक थे, उस पर भी केस हो रखा है। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आपको अभी लगातार घोटाले के बारे में पता चल रहा होगा, लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता घोटालों के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी अडानी घोटाले के बारे में बात होती है, कभी नीरव मोदी, इस तरह के जितने भी विजय माल्या, ये सारे जो घोटाले हो रहे हैं देश में आपको आए दिन पता चलता है। लेकिन अभी ये सारे लोग जो है दिल्ली से आए हुए हैं, और ये सारे लोग जो है अभी दिल्ली से आए हुए हैं, और इन लोगों की एक कंपनी है, इच्छा पूर्ति कंपनी है, वो दिल्ली की कंपनी है, वो रहने वाले भी शायद दिल्ली के हैं, उनका नाम है संजय सिंघानिया। और इन लोगों ने उस कंपनी में, 2 साल पुरानी कंपनी में, अपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब वो कंपनी, इन लोगों का कहना है कि अब वो कंपनी डूबने की कगार में है और इनके पैसे फंस चुके हैं। हम इन लोगों से एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है, कहीं इनका भी हाल विजय माल्या जैसा तो नहीं होने वाला है, या इनके भी पैसे डूबने तो वाले नहीं है। चलो मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, मेरे साथ क्या दिक्कत क्या हुई? मैम यहाँ पे जो इच्छा पूर्ति कंपनी है, पेरेंटिंग कंपनी से फ्रंटलाइन इच्छा पूर्ति जो सब कंपनी है, वो अपनी कंपनी पेरेंटिंग कंपनी फ्रंटलाइन कंपनी को बताई। इसको उसके बिहाफ पे हम लोगों का छोटा छोटा बिजनेस है, शॉप है, उसको एक्सपेंड करने के लिए इच्छा पूर्ति करके एक बिजनेस एक्सपेंड प्रपोजल हमारे पास आया, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना था। वो हमें हमारा जो बिजनेस था वो एक्सपेंड करता, इसके चक्कर उसमें हमें कुछ पैसे सबमिट करने थे, जैसे 25,000 पहले के, फिर 50,000, फिर लाख, फिर 2 लाख, ऐसे करके वो हमें प्रोडक्ट देते कम प्राइस में और हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने हमें सामान दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अब गायब हो गई। 2 एम्प्लॉयज़ भी हम लोग रखे अपने शॉप पे, उन लोगों ने बोला कि वो 2 एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी पड़ेगा वो लोग देंगे, पर 2 एम्प्लॉयज़ का पैसा अभी हम लोगों को खुद देना पड़ा, उन लोगों को अपने घर से सबका पैसा देना पड़ा। प्रोडक्ट मिला या नहीं? प्रोडक्ट दिए, फिर उसके बाद जो एडवांस पेमेंट था वो लेके चले गए पूरा पैसा। कितने का आप लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था? मेरा तो अभी 50,000 था, बाकी। और प्रोडक्ट कितने का मिला? प्रोडक्ट कितने का मिला? मेरा अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया था, मतलब हमने अभी मेंबरशिप ली रखी थी। मैं पूछ रही हूँ, आपने 50,000 रुपए दिए उनको, आपको प्रोडक्ट कितने का मिला? मैम यहाँ पे कुछ जैसे जॉइनिंग थे, फिर उसके बाद सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था, ऐसे कई, मतलब कई स्टेज थे। तो मेरा सिल्वर यानी सिर्फ हम अभी मेंबरशिप रखे थे, मेरा तो अभी 50,000 गया था, मतलब हम अभी कनेक्ट हुए थे, मेरा प्रोडक्ट का लेना नहीं हुआ था। अच्छा, बाकी लोगों का? आपका कितना था? मैडम मेरा 20 लाख रुपए जमा है। 20 लाख? 20 लाख। अब बात बताइए, 2 साल पुरानी कंपनी में आप लोगों ने इतना लालच आप लोग के अंदर है कि 20 लाख रुपए आप लोगों ने दे दिए? हम लोग ना 107 लोग हैं जिनके 20-20 लाख रुपए सबके जमा है, और हमारे पास सामने संजय सिन्हा आए थे जिनकी फ्रंट लाइन कंपनी है यहाँ पे नारायणा में। उनके उन्होंने बोला था मेरी 750 करोड़ रुपए की कंपनी है जो बराबर बिजनेस कर रही सन 2005 से, और ये मेरे द्वारा स्थापित की हुई कंपनी है इच्छा पूर्ति, जिसका नाम रखा था उन्होंने GJJ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें हमारे जैसे 107 लोगों से 20-20 लाख रुपए लिए और कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने बोला था एज ये आपकी सिक्योरिटी है जो रिफंडेबल होगी। आपने 20 लाख रुपए दिए, हाँ, और उन्होंने बोला हम आपको प्रोडक्ट देंगे। हमने बोला 20 लाख का हम आपको सामान देंगे जो आपके पास नहीं दिया। कितने का दिया? 2-3 लाख का, बस 2.5-3 लाख का, और वो भी हमारे छोटे दुकानदार जो होते हैं उनको देने के लिए दिया था कि आपके माध्यम से इनके पास सामान जाएगा, और छोटे दुकानदार जिन्होंने 2.5-3 लाख रुपए सबने इन्वेस्ट
अरेस्ट किए हुए हैं, किसी के 25,000 लिए, किसी के 50,000 लिए, उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है और पैसा लेके ऐसे ही बैठ गए। जिनसे 5-5 लाख रुपए लिए उनको भी सिर्फ 50,000 60,000 बात करने की कोशिश की। हमने बराबर हम लोग कोशिश कर रहे हैं जुलाई से महीने से, और बराबर वो जूम मीटिंग पे मिलते हैं, सामने कभी नहीं आते हैं। उन्होंने अब क्या किया है, अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे नए डायरेक्टर ला दिए, जिसमें बैद्यनाथ गोस्वामी और एक है रामेश जोशी की भाई, उनको ला के खड़ा कर दिया कि मेरा भी इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, जो है अब ये लोग जानेंगे, आपका पैसा ये देंगे, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। और तब हम लोग आप लोगों ने केस किया? हम लोगों ने EOW में केस डाला हुआ है। फाइल है आपके पास? फाइल है, मतलब हमारे पास में वो है, इस पे मैप है, उस पे रिसीविंग है, मुझे बाद में भेज देना। FIR किया? हाँ, EOW में केस डाला हुआ है, और हम लोगों का केस दो बैच में पड़ा है, जिसमें पहले उसमें वेंडर भी हैं, उनको भी पैसा नहीं दिया, लॉजिक स्टेट वाले भी हैं, उनको भी पैसा नहीं दिया, तो 3 करोड़ का एक केस पड़ा हुआ है, और हम लोग का 4 करोड़ का केस पड़ा हुआ है EOW गुरुग्राम में। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, आपका कितना पैसा लगा? 20 लाख। कितने का प्रोडक्ट मिला है? प्रोडक्ट मेरे पास 2 बार आया था, उसमें हम लोग का काम था सिर्फ फॉरवर्डिंग। प्रोडक्ट मेरे पास आता था, मैं बीपी को बेचता था, जैसे बहन बीपी हैं तो इनको मैं बेचता था। वो पैसा कितनी कमाई? कोई कमाई नहीं, हम लोगों का कमीशन देना था उनको 3%। कितना मिल गया, मतलब 20 लाख रुपए में आपको कितना प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है? 2 बार वही 2-2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट भेजा है बस। मतलब वो जो सामान आया था वो हम लोग ने आगे बीपी को बढ़ा दिया, जो मैं दुकानदार छोटे भाई थे, हम लोग खाली एज ए बेयर हाउस मान लीजिए हम लोग के पास में था। एक बात बताइए, इतना सारा मामला आ रहा है विजय माल्या का, नीरव चौकसी, फिर नीरव मोदी, इस तरीके के काफी सारे लोग, आप लोग को लगा नहीं कि ये फ्रॉड कर सकते? नहीं, शुरू में मैडम ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मैंने संजय सिन्हा का नाम देखा था, जो ऑलरेडी 2005 से कंपनी चला रहे हैं और अपने नारायणा में है, और उनका फ्रंटलाइन ग्रुप है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा। उन्होंने अपना पेपर में ऐड निकाला और हम लोग को पंपलेट दिए कि ये मेरे द्वारा स्थापित की हुई कंपनी है, और जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है, हम ऐसे इसको बनाना चाहते हैं, और मैं इसको कस्बे तक ले जाना चाहता हूँ। जो कोरोना काल में हुआ था, उन्होंने बोला था कोरोना काल में शहर के व्यापार लोगों को तो सामान मिला, लेकिन जो गांव में लोग थे उनको सामान नहीं मिल पाया, तो मैं कोई भी पिन कोड नहीं छोड़ूंगा जिस पिन कोड पे मैं सामान ना पहुँचाऊँ। तो आप लोग ये बताइए कि 1-2 लाख समझ में भी आता, लेकिन 20-20 लाख रुपए दे देना। मैडम 20 लाख रुपए हम लोग ने इसलिए दिए थे कि 20 लाख रुपए मैं जो सुपर फ्रेंचाइजीज के नाम पे दिए गए थे कि 20 लाख का आपके पास में स्टॉक यहाँ पे रहेगा, जो आपके क्षेत्र में दुकानदार जितने हैं उनको आप तुरंत से सामान पहुँचा देंगे। कहाँ से 20 लाख रुपए आप लोगों ने कैसे इकट्ठा? नंबर एक में दिया, RTGS करके दिया उनको, टोटल सारा सबने नंबर एक का टोटल RTGS हम लोगों ने किया है, उसके बाद हम लोग के बैंक भी हम लोगों के पास है, RTGS का प्रमाण भी है, केस में लगाया भी है, उसको केस में लगाया भी, पूरा सबका नंबर एक का पैसा है। मेरा भी, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से, इन्होंने 20 लाख रुपए लिए थे हमसे वन शॉट, और अभी तक ना माल दिया ना कुछ दिया है। 20 लाख रुपए कहाँ से लाए थे आप? इन्वेस्ट किए थे। कहाँ से लाए, कहाँ से थे? आपके घर में था? लोन लिया था, आधा लोन लिया था, आधा हमारे पास, आधा लोन लिया था, और अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा, वो कोई पैसे वापस देने राजी नहीं हो रहा, हमने केस किया, चेक दिया, चेक सारे बाउंस हो गए। आप लोगों का क्या प्लान है? अब हम यहाँ जंतर मंतर में आए, हमने EOW में भी हमने केस डाला है, अब आगे PMO ऑफिस जाएंगे, नहीं होता PMO ऑफिस जाएंगे, मीडिया ऑफिस जाएंगे, क्या करें? PMO ऑफिस में तो PMO पे प्रधानमंत्री पे तो ऐसे ही उन लोग पे एलिगेशन लग रहा है कि प्रधानमंत्री अडानी को भगाने की कोशिश, क्या करें? इनके तार भी कुछ बीजेपी नेताओं से है, इनकी जो मैसेज है वो भी लीडर है कुछ बीजेपी की, कौन इनकी जो सोनिया सिन्हा उपाध्यक्ष है, पूर्वांचल मोर्चा की उपाध्यक्ष है सोनिया सिन्हा, दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा की उपाध्यक्ष, बीजेपी की कार्यकर्ता, हाँ बीजेपी की। तो आप क्या करेंगे अभी, उनपे खुद एलिगेशन लग रहा है कि आप लोगों को कुछ मदद मिलेगा PMO ऑफिस? सर अब बैठे यही बैठे, अब क्या करें? असल अडानी वाला जो मैटर है, जो लगातार विपक्ष उठा रही है कि अडानी जो है घोटाला जो किया, सब मिले हुए सब पैसा लेके भागे जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? अब हमारा अगला कदम जो भी यहाँ से पहले PMO ऑफिस जाएंगे, नहीं तो फिर बैठेंगे धरना देंगे। क्या लगता है अब क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पिताजी ने इसमें इन्वेस्ट किया था,
इतना 20 लाख, हाँ 20 लाख इन्वेस्ट किया था, और वो बीपी भी थे, मतलब बिजनेस पार्टनर भी थे, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन सामान जो है 3-4 महीने तक ही वही 1.5 से 2 लाख का सामान आया, और उसके बाद से बस ये डेट देते रहे कि सामान आएगा आएगा आएगा, और कुछ आता नहीं था। वेयर हाउसिंग का उन्होंने भी लिया था, इसके वजह से काफ़ी वो परेशान हो गए थे, स्ट्रेस में चले गए थे, टेंशन भी काफ़ी लेते थे, क्योंकि और कुछ था भी नहीं हमारे पास, एक और बस यही हमारे पास जो भी थी चीज़ें थी इन्वेस्ट कर दी पापा ने। उसके बाद उन्हें हैमरेज हुआ यही अभी जनवरी में, वो पूरे महीने हॉस्पिटलाइज थे, फिर उसके बाद अभी ठीक हुए, तो मतलब अभी फिर भी बेड रेस्ट पे, तो फिर मैं आया हूँ इन लोग के साथ ताकि कुछ समर्थन मिले सबको। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ यहीं पे दिल्ली में, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कि पैसे वापस आएंगे सरकार? अब सब लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार ही कुछ कर सकती है इसमें, हम इसीलिए सब जुटे हुए हैं। अडानी का मामला जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। क्या तो क्या लगता है सरकार कुछ कर पाएगी, क्योंकि सरकार पे ऐसे ही विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टियां हैं और भी कई सारे पार्टियां, वो जो है एलिगेशन लगा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कर पाएगी कुछ सरकार? अब उम्मीद तो है हमें है सरकार से, उसके पास हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकते। आपके पिताजी को हैमरेज हुआ है? हाँ जी। मतलब उनको पहले से कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं थी, ये जब सब स्ट्रेस की वजह से जो भी टेंशन वेंशन जो भी हुआ उन्हें, उसकी वजह से अचानक ही वो मतलब एक दिन ऐसा हैमरेज हो गया, और वो महीने भर से हॉस्पिटलाइज थे वहाँ पे लखनऊ। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा अमाउंट लगाने से पहले हम लोग किसी से? मैडम हमने फ्रंट लाइन ग्रुप देख के लगाया, इनके पीछे तो है फ्रंट लाइन ग्रुप, इनके पीछे जो है फ्रंट लाइन ग्रुप है, हमने फ्रंट लाइन को देखते हुए पैसा दिया है। संजय सिन्हा जो इनके पुराने डायरेक्टर थे, आज से पुरानी कंपनी है ये फ्रंट लाइन, ये लिखा हुआ फ्रंट लाइन कंपनी 750 करोड़ की, हमने पैसा इस पे लगाया था कि हमारी सिस्टर कंसर्न है जीजी से, इन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की है। 160 लोग हैं, 160 SF जिन्होंने 20-20 लाख रुपए दिए। ये क्या है, सोची समझी एक साजिश है। हाँ, कैसी साजिश? फ्रंट लाइन ग्रुप के द्वारा एक नई कंपनी खड़ी करके लोगों का पैसा हड़पने की साजिश, जिसका नाम था इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति के क्या करेंगे पैसा, भाग जाएंगे देश से? नहीं, कहाँ तक जाएंगे, आज हमारा शासन प्रशासन सब हमारे साथ है, ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है मैम, क्यों नहीं लगेगा, अगर न्यायपालिका पे इतना भरोसा नहीं होता तो यहाँ नहीं आते, ठीक है ना। बड़े बड़े जो फ्रॉड हुए आज तक, अभी तो सब बोल रहे लोकतंत्र खतरे में, और आप बोल रहे न्यायपालिका। देखो मैम, लोगों का अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है कि हमारे साथ आने वाला चुनाव है, लोग हमारे साथ हैं, सरकार भी हमारे साथ है, अगर सरकार ये चाहती है कि भाई हम उनकी बदनामी ना हो, उनकी पूर्वांचल की उपाध्यक्ष है जो संजय सिन्हा जी चेयरमैन है फ्रंटलाइन ग्रुप के, उनकी वाइफ, ठीक है ना, तो हम वहाँ मोदी जी से भी बात करें। बीजेपी पे लगातार इतने हमले हो रहे, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं हमले, तो आपको क्या लग रहा है? आप बोले हमें भरोसा है, यहाँ लोग बोले लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल भरोसा है जी, वो भरोसा इसलिए है बीजेपी पे मैडम, बराबर भरोसा है। हम लोग का आगे का प्लान ये है कि जितने भी हम लोग हैं सब पीएम मोदी जी को हम लोग सब लोग अपनी तरफ से रजिस्ट्री देंगे, डालेंगे कि हम लोग के साथ में क्या क्या वाक्य हुए हैं, और यही सेम चीज मैं मुख्य न्यायाधीश को भी लिखूंगा, सब लोग रजिस्ट्री करेंगे। मोदी जी जहाँ से आते हैं वहाँ से लगातार जो गुजराती लोग हैं, जो मोदी जो है लगातार भाग रहे हैं देश का पैसा लेके, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपकी मदद? खैर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो ऐसे नहीं है, वहाँ के क्षेत्र के लोग होंगे, हमारे दिल्ली के लोग क्या सब लोग गंदे थोड़ी ना है? अगर संजय सिन्हा गंदा हो सकता है तो हमारे दिल्ली के बाकी लोग तो नहीं गंदे हो सकते। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात के क्षेत्र के अच्छे हैं, आज हमारे भारत को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया कि लोग यूक्रेन से सिर्फ एक कागज में तिरंगा बना के वहां से लेके चले आए थे, रूस ने भी हमला नहीं किया था, किसी ने कुछ नहीं किया था, आखिर उनकी महीना अवश्य सहमत है, जरूर कुछ होगा, और हमें उम्मीद है कि हमें उनकी तरफ से बराबर न्याय मिलेगा हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। क्या लगता है न्याय मिलेगा प्रधानमंत्री की तरफ? प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, और मेरे भी इसमें 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, मैं शिव शक्ति ट्रेडर्स बुलंदशहर से हूँ, पैसा लेट होने के कारण मेरी बिटिया की शादी 3 बार टूट गई, इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया, ये पैसा जान के दबा रहे हैं, पैसा इन पे है, कहीं पैसा नुकसान नहीं हुआ है इनका, ना कोरोना में नुकसान हुआ है, ये पैसा नहीं देना चाहिए। और हम अभी संजय सिन्हा भी बाहर विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे, कहते मेरा खुद पैसा घाटा में खा के, मैं अभी आज के डेट में वो अबू दुबई बैठे। आप लोगों ने केस किया होगा एफआईआर? केस किए हाँ जी, कितने दिन पहले? केस तो चली जा रहे, चेक बाउंस केस बहुत सारे जनवरी में, अभी तक मैम बहुत सारे केसेस बहुत स्टेट्स में बहुत सिटी में बहुत जगह से हुए हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है, पीएमओ ऑफिस में भी हो चुका है, बहुत कुछ हो रखा है, यूपी में भी एफआईआर है, राजस्थान में भी एफआईआर है, और यूपी में भी एफआईआर है, उनको पर सब जगह एफआईआर दिए हैं, सारे चेक बाउंस
अकाउंट्स हो गए, पैसे रिटर्न करने के बहाने चेक दिए, वो सारे फर्जी चेक थे, उस पर भी केस हो रखा है, सारा इनसफिशियंट बैलेंस का वो चेक है। लगातार हमारे देश में ऐसा हो रहा है, इस पर आप क्या कहें? ऐसा क्या ही बोलूं मैं, लगातार आप लोगों को मालूम होगा कि भाग लोग स्टार्टअप्स करते हैं, नया कुछ लाते हैं, लोगों को फंसाते हैं और अपना बेचकर निकल जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को। आपको लगता है उनके पीछे किसी नेता का हाथ है? क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सब पॉलिटिकल सपोर्ट ही है और कुछ नहीं, ये पार्टी फंड ये सब वही लोग तो देते हैं, और कौन देता है? वो चीट करते हैं, चीटर्स हैं, चीट करके ही देते हैं वो इतने सारे फंड, ये चौपर से घूमते कहाँ से आता है इतना सारा पैसा? पॉलिटिकल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। आपकी किसकी जिसकी पार्टी है उसी की सपोर्ट है? ऐसा तो कुछ पता नहीं हमें, लेकिन सपोर्ट है तभी तो। मनोज तिवारी जी ने भी इसका प्रचार किया था। मनोज तिवारी जी उनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं इच्छा पूर्ति का, उन्होंने भी ऐड किया हुआ है ना, तो जरूर है। हाँ, इनकी पत्नी, इनकी वाइफ बीजेपी की अध्यक्ष है, वो सोनी सिन्हा नाम है। बीजेपी पे लगातार हमले हो रहे, क्या कहेंगे? बीजेपी पार्टियां घपला करती है, हमारे बीजेपी से कोई मतलब नहीं, मगर जो हमारे साथ आप लोगों का तो लिंक है कहीं ना कहीं बीजेपी से, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के ये करना मुमकिन नहीं, आप लोग मानते हैं? वो तो मानते हैं, हम किसी के छत्र छाया में ही ये सब हो सकता है, ऐसे कोई आदमी तो इतना बड़ा फ्रॉड कर नहीं सकता। हाँ, इतनी सारी FIR हो चुकी है, सब चीज हो चुके हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, लोग अपना काम धंधा, 3 साल हो चुके हैं इसके लिए। हाँ, अभी तक 2-3 साल से हमारा मनोज तिवारी तो बीजेपी के ही। हाँ, बीजेपी के, वो भी उसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं वो, उनका ऐड कर रखा है उन्होंने। हाँ, बहुत लोगों ने उनको देख कर है, जो यूपी झारखंड के लोग है उनको देख, बात करने की कोशिश की, उनसे क्या ही बात करेंगे हम, कहाँ जाएंगे उनसे मिलने, क्या ही बात करेंगे हम उनसे, कहाँ जाएंगे, वो तो अपना पल्ला झाड़ देंगे ना भाई। मैंने तो ऐड किया है, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन कुछ तो लिंक होगा ही, कुछ सपोर्टिव तो होगा ही, कुछ तो सपोर्ट दिया ही होगा। अंदाजा लगा लीजिए, जो सोनिया सिन्हा है, जो उनकी धर्म पत्नी है, वो बीजेपी से है, अब कोई भी हम स्टंट उठाते हैं तो वो कार्य नहीं हो पाता है पूरा, अभी तक कोई भी इनके खिलाफ एक भी FIR नहीं हुई है। वजह क्या? वजह जाहिर सी बात है, राजनीतिक स्टंट है कहीं ना कहीं, इनकी मिसेज सोनिया सिन्हा जो है राजनीतिक से जुड़ी हुई है, इसीलिए कार्य नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं से। हम लोग जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास में कुछ भी ऐसा वो नहीं है, हमारे पास में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है जो कि हम लोग इनके खिलाफ कुछ कर सके। क्यों? सोनिया सिन्हा जो एक बीजेपी को टिकअप कर रही है, वो कहीं ना कहीं दाबी घूम रहे हैं, अपना ऐसो आराम कर रहे हैं, सोने के चैन लटका रहे हैं इधर उधर, और हम क्या, हम गरीब यहाँ आकर अपना काम धंधा नुकसान करके नुकसान वापस लेने आए हैं, बताइए। तो आप लोग प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद कर रहे हैं ये सब भ्रष्टाचार और ये सब जो करप्शन हो रहा है वो सबको देखे वो, और क्या, हमारा जो गरीब का पैसा है स्टार्टअप्स के नाम पे लूटा जा रहा है, नए तारे दिखाए जाते हैं, कल ये मिलेगा वो मिलेगा, लोग उसमें फंस जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में 500 से 1000 के करीब आसपास मेरी नॉलेज में इनके जो है बीपी बना रखे हैं उन्होंने, 150 लाख और 5 लाख 20 लाख लाखों के ने जो है ना, पता नहीं कहा आंकड़ा नहीं लगा पा रहे, ये तो मिनिमम है 200 करोड़ और कितना ग्राहकों का लूटा है, ये तो हम बीपी और SF बिजनेस पार्टनर है और सुपर पार्टनर है, जो हाँ इम्प्लॉय की सैलरी 8-8 महीने की सैलरी, मैं एक इम्प्लॉय से अभी बात कर रहा था, और मैम मैं एक इम्प्लॉय से भी बात कर रहा था, 8 मंथ की सैलरी उनकी खा गए वो लोग, मिनिमम होगा वो ASM थे, एरिया सेल्स मैनेजर थे, मिनिमम उनका होगा तो 18-20+ होगा, मिनिमम होगा तो टारगेट्स पूरा हो ही जाता है, बीपी इतने बनाए तभी तो हम यहाँ फंसे हैं। हाँ, तो उन लोगों का 8-8 महीने का पैसा है, सोचो लोगों के पैसे नहीं दिए हैं, फ्रेट के पैसे रुके पड़े हैं सब। आप लोगों से आखिरी सवाल है, क्या उम्मीद है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है बीजेपी से है और बीजेपी पे लगातार इतने हमले हो रहे हैं कि वो अडानी के साथ में, अडानी का भी यही मामला चल रहा है कि LIC के पैसे डूब गए हैं, बैंकों के पैसे, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पड़ेगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, अगर नहीं करेंगे तो बदनाम हो जाएगी बीजेपी, अगले साल इलेक्शन है तो पहले से बदनाम नहीं होगा, तो हम सब भी तो व्यापारी हैं, कौन वोट डालेगा? अगर हमारे सपोर्ट नहीं मिला तो कौन वोट डालेगा? कांग्रेस ही चोर है, इसको डालिएगा वोट कांग्रेस को, कांग्रेस ही चोर है, बीजेपी चोर है, दोनों ही चोर है, किसी जो पार्टी आती है जो हमारा है हम उसके हैं, सीधी सी बात है, जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, पार्टी आती है तो पैसा लेकर चल पड़ती है। चलिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और अभी तो ये लोग शायद 25-50 लोग हैं, लेकिन लगा मतलब इनकी संख्या जो है सैकड़ों में है, हजारों में है, और ना जाने कितने पैसे इन लोगों ने लगा चुके हैं, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, लेकिन लगातार भारत से ऐसे मामले
देखने को मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस पे रोक होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? पॉलिटिकल पार्टी कहीं इनको सपोर्ट तो नहीं करी? जैसा कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की कार्यकर्ता है जो विजय सिंघानिया, उनकी पत्नी, आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों को न्याय मिलेगा, क्या होगा इन लोगों का? इस पूरी खबर में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।